बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर से। छोटी सी वीडियो आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज डेट है मेरे ख्याल 8 और दिन है आज हफ्ते का। तो सबसे पहले प्लाई के हवाले से जी, 13,500 रुपये पर मंथ हम चार्ज करते हैं और बेहतरीन और सस्ती प्लाई। कोई भी दोस्त अगर अपना बछड़ा पलवाना चाहता है तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। ये जी चेक करें माशाल्लाह जोड़ी, ये हैं जी 24 के लिए। कोई भी दोस्त पलवाना चाहे 13,500 रुपये में हम नॉर्मल, हमारी प्लाई है नॉर्मल, जो छोटे जानवर या दरमियाने जानवर की, और जो बड़े जानवर हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल है वो 18,500 रुपये। जो भी दोस्त पलवाना चाहें, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, इसी नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको रिस्पांस भी मिलेगा। ये चेक करें जी माशाल्लाह, हटे ये देखें जी, ओहो ये जी माशाल्लाह हटे। आज नई आई है एक गाय सिमन के लिए आई है और आज दो बछड़े और भी आएंगे। अभी शाम के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ। ये बछड़े फार सेल हैं जी, ये यहाँ से शुरू होते हैं, ये वाले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फार सेल है। ये चेक करें माशाल्लाह, ये सारे फार सेल हैं, इनकी अलग वीडियो डिटेल आपको मिल जाएगी। जो भी दोस्त किसी भी जानवर की लेना चाहता हो डिटेल तो वो मिल जाएगी। ये जी चेक करें कलर में माशाल्लाह, एक दूसरे से बढ़ के ये देखें, ये सारे फार सेल हैं इस साइड वाले। हटे ये चेक करें माशाल्लाह, और ये भी फार सेल है, ये वाला भी वाइट, ये चेक करें माशाल्लाह। ये बछड़ा अगर किसी दोस्त ने लेना हो तो वो रब्ता कर सकता है। तो जो दोस्त पलवाना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जानवर जो हैं अपने जल्दी भेज दें। मेरा ख्याल 8 या 8.5 महीने पीछे रह गए हैं ईद के, ईद तक। तो जानवरों को जो है इंशाल्लाह टाइम मिलेगा फिर ही, और अगर लेट हो गए, और वैसे भी आजकल रेट भी कुछ कम चल रहे हैं, लेकिन रेट जिन जानवरों के कम हैं वो काटू या फिर दूसरे जो नॉर्मल जानवर हैं नॉर्मल रेंज के उनके। और अगर आप अच्छा या कोई नस्ल में जानवर लेंगे तो उसका रेट अभी भी बहुत है, और उस तरह के मंडियों में बिकते भी कम है, मंडियों में आ जाते हैं लेकिन फिर मंडी में भी रेट होता है उसका। ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये देखें जी, ये माशाल्लाह इरफान भाई का है गुजरांवाला से, और ये वाला है जी फैसल साहब कराची से, ये फैसल भाई का है। अभी फीड हुई है, फीड को अभी थोड़ी देर हुई है, ये देखें जी सबस चारा होता है इसमें मकई, अटे मकई का, और वंडा होता है, भूसा होता है, और जब ये ना दस्तियाब हो चारा वगैरह तो फिर सैलेज से भी काम चला लेते हैं हम। ये देखें ये सारे फैसल साहब के हैं, मैं चेक करवा रहा हूँ, और माशाल्लाह चेक करें इनकी प्लाई हमारे पास हो रही है टोटल, ये भी और ये भी और वो पीछे वाला भी, ये तीन फैसल साहब के हैं और ये बाबर साहब का ये वाला। ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार हैं भी जानवर तैयार हैं। ये है जी बाबर साहब का, और ये है जी ये भी बाबर साहब का है मस्कत से, और ये अपियुज़मा साहबा कराची से, ये उनका है, और ये चीता प्रिंट चेक करें जी माशाल्लाह।
ये चेक करें माशाल्लाह, और ये जी फरहान साहब कराची कोरिया माशाल्लाह। अपना ये बछड़ा है जी शेख ज़ुबैर साहब का। इनके तीन बछड़े ऐसी, तीनों में से एक कमाल का बछड़ा था, और ये उन्होंने लाट ख़रीदी थी। तो लाट की मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि लाट का जो होता है ना, बस किस्मत वाले कोई फ़ायदा रहता है लाट ख़रीदने में, पूरी लाट। ख़ासकर आप मंडी से या कहीं से ऑनलाइन आप लेते हैं तो वो उसमें ये होता है कि कुछ जानवर इक्का दुक्का मरे आ ही जाते हैं। तो ये शेख साहब का भी एक जो बछड़ा था वो बहुत हल्का था, छोटा ही बहुत था, बिल्कुल ही टैडी बकरी जितना था वो टोटल वजूद उसका। और वो जो है ना, उसको बनते बनते बड़ी देर लग जाती है। बहरहाल दो अच्छे थे, ये सबसे अच्छा था ब्लैक वाला जो मैंने दिखाया शेख ज़ुबैर साहब का। और जो एक दूसरे नंबर पे वो दूसरी खुरली पे होता है वो भी ठीक है, एक ज़रा ज़्यादा ही कुछ छोटा था। ये जी नवीद साहब लाहौर से, और ये जी रबी भाई का, रबी साहब मसरूर भाई कराची से। ये जी पांडा, और एक ये है पांडा, ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फाइनल मैसेज ये है कि जो दोस्त पलवाना चाहते हैं वो रابطہ कर सकते हैं अजीज़ कैटल फार्म के ऊपर, इंशाल्लाह आपको जो है वो रिस्पांस मिलेगा और मुनासिब सप्लाई है। ये जी डॉक्टर फरीद साहब का है हैदराबाद से, ये अगले साल के लिए है। और ये है जी फरहान साहब कराची कोरिया से, नवीद बेग साहब कराची से, और ये पांडा इसके बारे में नहीं पता, इनकी टैगिंग होगी, साथ लटकेंगे टैग तो पता चलेगा हमें। और ये जी मुबीन साहब रावलपिंडी से, और ये है जी अपना ये भी बाबर साहब मस्कत से, ये है जी महमूद साहब कराची से, और ये मेरे ख्याल नज़ीर साहब का है। तो ये जी माशाल्लाह, वो एक खुली रह गई है स्पेशल प्रोटोकॉल वालों की, उसकी सुबह बनाएंगे वीडियो। तो जो भी दोस्त इंटरेस्टेड हैं अप्लाई के लिए वो रابطہ करें, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है इसी नंबर के ऊपर। और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।